नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल बॉटम पैंट की कटिंग करने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़े के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा, तो इसमें वर्क वाला यहाँ पे फ्रंट दिया हुआ है। एक फ्रंट हमारा यहाँ पे एक पैर का ये आ जाएगा, दूसरे पैर का हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। साइज मोरी का आप यहाँ पे कम ज्यादा रख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं यहाँ 12 इंच रखूंगा ताकि ये हमारा पूरा यहाँ पे आ जाए जितना हमारा वर्क होता है। अगर आप इसमें 14 इंच या 15 इंच रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर वर्क होता है तो हमें वर्क के हिसाब से ही कटिंग करनी चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे नाप जान लेते हैं। ये है हमारे पास नाप, लेंथ होगी हमारी 38 इंच तैयार, मोरी का नाप होगा हमारा 12x12 का। तो यहाँ पे जैसे 12 इंच लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, तो 12 इंच हमारी मोरी होगी। और यहाँ पे जो ये हिप होगी हमारी 40 इंच होगी, कमर होगी हमारी 32 इंच, और जो हमारी शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो। तो जब हम कटिंग करेंगे, मोरी का कैसे नाप लिया जाता है, किस तरीके से हमें घुटने का नाप रखना होता है, तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। जो मैंने यहाँ पे नीचे 3-3 इंच लिखा हुआ है ये भी आपको कटिंग में पता लग जाएगा। तो 12x12 की हमारी यहाँ पे मोरी होगी, ये वाला घुटने का पॉइंट होगा, ये हमारा आसन का पॉइंट, ऊपर बेल्ट लगेगी, और इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे जो कि आप शेप देख रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को बिछा लेते हैं। ये देखिए कपड़े को हमने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है, और आप यहाँ पे देखोगे जो वर्क होता है, जो कढ़ाई होती है, ये आपस में हमें मैच करनी होती है। इस तरीके से हम इसको मैच कर लिए। अगर आपके पास कढ़ाई वाला पीस होता है कोई भी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कढ़ाई का ही सेंटर पॉइंट बना लेना है। तो जितना है, जैसे हमारा 12 इंच है तो हम यहाँ पे इसके हाफ हिस्से पे निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। तो यहाँ पे जितना भी इस साइड का एरिया होता है, जैसे 7.5 इंच है, तो 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये तरीका तभी अपनाना है जब आपके पास कढ़ाई वाला वर्क वाला कोई भी पीस होता है। सभी निशानों को हल्का हल्का हम इस तरीके से एक दूसरे से मिला लेंगे ऐसे। इसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ है हमारी 38 इंच, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे 38 रखेंगे और सीधा इंची टेप को इस तरीके से लेकर के आएंगे। ऊपर की साइड हमें बेल्ट लगानी है, तो हम 1/2 से 1.25 इंच का नीचे की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे, ऊपर की साइड ये छोड़ देंगे। इसके बाद हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान जैसे मैंने बताया 38 लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा 38 का चौथा भाग हो जाएगा 9.5, और 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा, तो 10.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे घुटने का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 18 इंच पे, 18 पे। इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे इसी तरीके से। ये हमने सभी निशान अपने लगा दिए हैं। अब हमें यहाँ पे साइज निकालना है, तो साइज कैसे निकालेंगे, जितना हमारा नाप होता है हिप का, हिप है हमारी यहाँ पे 40 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ये वाला। तो यहां से चलेंगे, पहला निशान हमारा होगा यहाँ पे 10 इंच पे, 10x40, दूसरा हमारा होगा यहाँ पे 1.5 इंच की लोजिंग, और तीसरा निशान होगा 2.25 पे, इस तरीके से। अब टोटल हम यहाँ पे हमारा 14 इंच बनता है, तो हमारा सेंटर भी यहाँ पे 7 इंच पर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सेंटर पॉइंट हमारा बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस निशान को इस तरीके से ऊपर तक ऐसे लगा लेंगे, और यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच का फ्रंट को डाउन करते हैं। इस निशान को भी हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, इस तरीके से हल्का सा, जो सीधा हमारा यहाँ पे आएगा 1/2 इंच हम इस साइड लगाएंगे। तो ऊपर के जब हमारे निशान लग जाएंगे, तो मेन चीज आ जाती है हम मोरी वाले पार्ट की। देखिए यही चीज आपकी समझनी है। अगर हम यहाँ पे जैसे 12 इंच हमने मोरी रखनी है, और हम इस तरीके से हम चलेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलाएंगे, तो हमारा बेल बॉटम नहीं बनेगा। हमें घुटने का निशान लगाना है, तो घुटने का निशान लगाने के लिए आपका साइज कोई भी हो, सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 इंच इधर लेना है सेंटर पॉइंट से, और 3 इंच इधर, टोटल 6 इंच लेना है। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और जहां पे हमारा घुटना आएगा तो यहाँ पे हम हल्का सा ये निशान लगा लेते हैं, और इससे ऊपर की साइड यहाँ पे मिला लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे, यहाँ पे भी ये हमारा घुटना आएगा, घुटने से हम ऊपर की साइड यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये देखिए ऊपर के निशान हमारे घुटने का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने साइज लिया हो घुटने का,
तो आप साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज ज्यादा लगती है तो आप इसमें हल्का हल्का और कम कर ले, जैसे एक पैर हमने इधर से और एक पैर इधर से, ये भी हम कम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पहनने के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप यहाँ से इस पॉइंट से लूज टाइट डालते। इसके बाद हमने सीधा स्केल लेना है और इस पॉइंट को यहाँ पे जितनी हमने मोरी रखनी है उस पॉइंट पे यहाँ पे मिलाना है, और सेम ऐसे ही इधर। तो ये देखिए आपकी यहाँ पे बेल बॉटम सेव आ जाएगी, जो मैंने मोरी रखी है बेल सेव में यहाँ पे रख दी है, ये बिल्कुल हमारी इस तरीके से जाती है। अगर आपको साइज यहाँ पे बड़ा छोटा करना है तो आप इस तरीके से इसको बढ़ा भी सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे जितना भी साइज रखना चाहे उतना आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्रंट कटिंग करना होता है, जैसे मैंने निशान लगाए हैं इन निशानों के ऊपर ही हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट जो है हमने कंप्लीट कटिंग यहाँ पे कर लिया है। इस साइड को हम बाद में कटिंग करेंगे, जब बैक साइड कटिंग करेंगे तो फ्रंट और बैक इकट्ठी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बैक साइड के लिए भी कपड़े को सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट ऊपर की साइड बिछा लिया है और नीचे की साइड कपड़े को बिछा लिया है बैक साइड के लिए। तो आप जब भी यहाँ पे कटिंग करते हैं कोई भी पैंट प्लाजो, तो इस चीज का ध्यान रखें कि फ्रंट का ये वाली साइड ना कटिंग करें, ताकि हम इकट्ठी इनको कटिंग कर ले। तो इससे क्या लगेगा आपको कि पूरा सेंटर पॉइंट हमारा बिल्कुल सेंटर में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे 2.5 इंच पर, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करते हुए मिलाएंगे इस पॉइंट पर। दूसरा निशान हमारे यहाँ पे ये आएगा, एक निशान बिल्कुल सीधा आता है, इसके बाद हम आधा से 1.25 इंच अंदर की साइड यहाँ पे निशान लेते हैं ऐसे, और यहाँ से आगे की साइड जो हमारा सीधा निशान जाता है 2.25 से 2.5 इंच। जैसे नॉर्मल है 40 इंच साइज है आपका, तो हम 2.25 इंच लेंगे, इससे ऊपर होता है तो 2.5 इंच तक भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे साइज को ऐसे ले लेंगे। जो हमारा घुटना आएगा यहाँ से हम हमेशा 1.5 इंच रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है 1.5 इंच से ज्यादा नहीं लेना है। तो इस निशान को भी हम यहाँ पे ऊपर की साइड मिलाएंगे सेफ फट्टी के माध्यम से इस तरीके से। और इसके बाद जैसे हमने स्केल से यहाँ पे सीधा किया था, तो नीचे तक निशान लेकर के जाएंगे, नीचे रखेंगे हम 1.25 इंच तक। यहां से हल्की सी हम सेव डाल देंगे ऐसे। तो ये देखिए कंप्लीट निशान लग चुके हैं, कुछ भी इसमें चेंजिंग आपको नहीं करनी है, सेम ऐसे ही कटिंग करना है जैसे मैंने आपको बताया है। साइज आपका कोई भी हो, आपने 12 इंच का निशान लगाते हुए पहले घुटना निकालना है, और उसके बाद यहाँ पे जितनी मोहरी आपको रखनी है उतनी आप यहाँ पे बेल बॉटम शेप में इसको तैयार रख सकते हो। तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग करने होते हैं फ्रंट और बैक के। तो ये देखिए बेल बॉटम शेप में हमने यहाँ पे आपको पैंट कटिंग करके दिखाई है। इस तरीके के पैंट आजकल बहुत ही ज्यादा पसंद करी जाती हैं, और खास करके नीचे अगर वर्क हो तो और ज्यादा सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।